Assalamu alaikum. This video is for class 2 and it is about unit number 2, which is addition. Student, today we are going to solve page number 26. Firstly, we write date and day on the top of the page. On the left side, we write date, which is 27th of March 2020. Then write classwork, and on the right side, we write day, which is Thursday. Addition converting ones. Converting ones के कुछ मेन पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं. पहले, इट इज़ एन ईजी सम, वी नो द आंसर इज 10. 8 + 2 को ऐड किया जाए तो हमारा आंसर जो होता है वो 10 आता है. बट वी कैन नॉट पुट 10 इन द वंस कॉलम. लेकिन हम 10 को वंस के कॉलम में नहीं लिख सकते, बिकॉज द ग्रेटर नंबर वी कैन पुट इन द वन कॉलम इज 9. क्योंकि वंस के कॉलम का ग्रेटर नंबर जो है वो 9 होता है. ग्रेटर वन डिजिट नंबर जो होता है वो है 9. 9 के बाद 10 जो है वो 2 डिजिट नंबर जो कि टेंस बन जाता है. सो वी मस्ट चेंज 10 वंस टू 110 एंड 0 वंस. 8 + 2 को ऐड किया जाए तो 10 आता है. हम यहाँ पर 10 नहीं लिख सकते वंस के कॉलम में, इसलिए 0 को वंस के कॉलम में लिखेंगे एंड 1 को टेंस के कॉलम में. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1. डू द गिवन सम, बी केयरफुल विद योर कॉलम. ए पार्ट इज 7 + 3. स्टूडेंट, 7 + 3 को ऐड किया जाए तो हमारे पास आंसर 10 होता है. 7 के बाद 3 को काउंट करें, 7, 8, 9 एंड 10. हम 10 को वंस के कॉलम में नहीं राइट कर सकते, क्योंकि हमें पता है कि ग्रेटर वन डिजिट नंबर इज 9. सो हम 0 को वंस के कॉलम में लिखेंगे और 1 को 10 के कॉलम में. इसी तरह ये 2 डिजिट नंबर मतलब टेंस बन गए. इसी तरह से बी पार्ट सॉल्व करेंगे. 5 + 5 इज इक्वल टू 10, लेकिन हम 10 को वंस के कॉलम में नहीं लिख सकते, इसलिए 0 को वंस के कॉलम में लिखेंगे और 1 को टेंस के कॉलम में. सी पार्ट 4 + 6, 4 के बाद 6 को काउंट करें, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. 10 हम नहीं लिख सकते, 0 को वंस के कॉलम में लिखेंगे एंड 1 को टेंस के कॉलम में. इसी तरह से ये वैल्यू टेंस बन जाती है. इसी तरह से डी ई एफ जी एंड एच पार्ट सॉल्व होगा.